नीरज जी को हम एक कवि के तौर पे तो जानते ही हैं और बहुत विख्यात कवि के तौर पे जानते हैं, लेकिन जैसे कि डोगरा साहब ने बताया कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी बहुत गीत लिखे, और 70 का दशक तो ऐसा था कि इतने खूबसूरत गीत उनकी कलमों से निकले हैं कि बस पूछिए मत। अच्छा, नीरज जी को फिल्मों में लाने का श्रेय तो अनचंद्रा साहब को जाता है, लेकिन इस्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है देवानंद को। देवानंद, एस डी बर्मन और नीरज जी की जोड़ी ने खूब धमाल मचा और बहुत खूबसूरत खूबसूरत गीत 70 के दशक में हमें सुनने को मिले। देवानंद साहब से नीरज जी की मुलाकात हुई थी एक मुशायरे में। वो दौर ऐसा था, उस वक्त मुशायरे बहुत होते थे और बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियाँ उस वक्त मुशायरे सुनने जाती थी। तो देवानंद साहब ने एक बार उन्हें एक मुशायरे में सुना और उनसे कहा कि उनकी मुरीद हो गए वो, उनकी सुनाई हुई कविता उन्हें बहुत पसंद आई और कहा कि आप कभी मुंबई आइए और हो पाया तो हम लोग एक बार साथ काम ज़रूर करेंगे। नीरज जी जो थे वो एस डी बर्मन साहब के बहुत बड़े फैन थे। तो एक बार नीरज जी को पता चला कि एस डी बर्मन साहब अपनी एक फिल्म प्रेम पुजारी के लिए गीतकार ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने देवानंद साहब से मुलाकात की और उनसे कहा कि मुझे उनसे मिलवा दीजिए, एस डी बर्मन साहब से मिलवा दीजिए। देवानंद साहब सुन के खुश हो गए, उन्होंने बोला ठीक है आपको मैं मिलवा देता हूँ। पर एस डी बर्मन साहब, क्योंकि वो उस दौर में शैलेंद्र साहब के साथ काफ़ी गीत लिखते थे और उन्हीं के साथ एक सहजता का उनका रिश्ता था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात वो बहुत असहज थे शैलेंद्र नीरज जी के साथ काम करने को लेकर। इसीलिए एस डी बर्मन साहब ने एक बहुत मुश्किल सिचुएशन पे गाना लिखने के लिए शैलेंद्र को कहा, सॉरी नीरज जी को कहा। तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि देखता हूँ क्या लिखते हैं। तो गाना तो नीरज ने लिख दिया, रातों रात गाना लिख दिया और अगले दिन देवानंद साहब को सुनाया। उन्हें वो गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने नीरज जी को गले से लगा लिया और कहा कि चलो अब एस डी बर्मन साहब के पास जाते हैं और उन्हें सुनाते हैं। एस डी बर्मन साहब ने जैसे ही वो गाना सुना, वो भी उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं पाए, फौरन उठे और गले से लगा दिया और कहा कि मैंने जानबूझ के तुम्हें इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन दी थी ताकि तुम गाना ना लिख पाओ, पर तुमने कितना खूबसूरत गाना लिखा है। वो सिचुएशन कुछ ये थी कि प्रियसी है और वो अपने प्रेमी से बहुत खफा और नाराज़ है, क्योंकि उसका जो प्रेमी है वो किसी और के साथ है। तो एकदम दुख से भरी हुई है, शराब पी रही है और महफिल है जहाँ वो गाना गा रही है। अब एस डी बर्मन साहब ने हिदायत दी थी नीरज को कि जब आप गाना लिखेंगे तो आप शराब शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही साकी कहेंगे और ना ही जाम या धुएं में उड़ाता चला गया ऐसा कुछ लिखेंगे। तो जी, तो इस सिचुएशन में प्रियसी की पीड़ा को बयान, हाँ एक चीज़ और उन्होंने कहा कि आपका गाना ना रंगीला रे से शुरू होना चाहिए। अब तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस गाड़ी में बात कर रही हूँ। वो गाना था रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। अब प्रियसी की पीड़ा को बयां करते हुए नीरज लिखते हैं। वो खैर खुद तो एक मेल राइटर है, लेकिन देखिए कि औरत के नज़रिए से जब उसका दिल टूटता है तो किस तरीके से लिखते हैं। वो कहते हैं, दुख मेरा दुल्हा है, बिरहा है डोली, आंसू की साड़ी है, आहों की चोली। या फिर वो कहती हैं कि मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, हाथ में तेरे क्यों औरों की बाहें। कैसे तू भूला वो फूलों की रातें, समझी जब आंखों ने आंखों की बातें। मनवा ये जले है, जग सारा छले है, सांस क्यों चले है पिया, वाहरे प्यार वाहरे वाह। प्रेम पुजारी फिल्म का ही एक और गीत जो नीरज की एक कविता पर आधारित है और जिसमें नीरज ने देव आनंद साहब को ध्यान में रखते हुए अपनी कविता में कुछ बदलाव किए हैं। उस गाने के बारे में तो शायद डोगरा साहब ने भी बात की और नीरज साहब ने भी उसकी भूमिका आपको दी है। वो गाना है प्रेम पुजारी फिल्म का ही, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। ये गाना भी बाकी गानों की तरह बेहद मशहूर हुआ और प्यार की जो परिकल्पना नीरज ने इस गाने में की है वो दिल तक उतरती है और आपको प्रेम से भर देती है।
इस फीड में नीरज आपको प्यार की रेसिपी बता रहे हैं, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा और घर जाके प्यार परोसिएगा। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। अब प्यार को ही परिभाषित करते हुए आगे कहते हैं, हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार वो प्यार है। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, धूप में छाव में झूमती हवाओं में हरदम करे जो इंतजार वो प्यार है। याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई, सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई, आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो खुमार वो प्यार। शुक्रिया।